सब टास्क किया। हे न्यू हैकर, न्यू हैकर। हाँ, अरे वो अब लॉकडाउन के उसमें आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड इतने लंबे बालों के साथ, सो ये मॉम ने किया है घर पे। मॉम हैज गॉट सम स्किल्स, वेरी गुड। हां नहीं सी एक्चुअली, अरे डैड को एक रेगुलर कट लेना होता है मिलिट्री का रूल्स अपना, तो इसीलिए एंड ही कुड नॉट गो टू द बार्बर रेगुलरली बिकॉज ही हैड टू टेक प्रिकॉशंस। तो उस चक्कर में नाउ मॉम स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन हिम, तो जब तक उनका हाथ पक्का नहीं उन पे तो मैंने नहीं करवाया, जब हो गया तब मैंने करवा लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हाउ हैव यू बीन आशिता? आई हैव बीन ग्रेट एक्चुअली। काफी रोडीज के बाद का जो मेरा टाइम था वो काफी मतलब बहुत सीवियर चेंजेस भी आए वैसे मेरे डिसीजन मेकिंग में भी, एंड उसके अलावा डैड के डैड ने भी काफी जब देखा वो, एंड उसके बाद एंड आई एंडेड अप चेंज माय प्रोफेशन। सॉरी सॉरी जस्ट से इट अगेन, डैड ने क्या कहा? कुछ नहीं, मतलब देयर वर बहुत सारे डिसीजंस वापस लिए गए थे, मतलब जर्नी के पीछे भी बहुत कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैं काफी मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो मैंने डैड को जब फाइनली सब कुछ बताया तो उसके बाद फिर काफी चीजें चेंज हुई। आई एंडेड अप चेंजिंग माय कॉलेज, आई एंडेड अप चेंजिंग माय फील्ड, नाउ आई एम परसुइंग लॉ फ्रॉम बनस्थली विद्यापीठ। या इट्स एन ऑल विमेन्स यूनिवर्सिटी, वो एशिया की सबसे अच्छे मतलब विमेन्स यूनिवर्सिटी है। ओके, इट्स इन राजस्थान जयपुर। या ओके, अपेरेंटली माय वॉइस इज एकोइंग, आई एम सॉरी अबाउट दैट, ओके मेरे को क्लियर आ रहा है, आपको क्लियर आ रहा है, मगर मेरे को भी अपना वॉइस एको करते हुए, आई कैन हियर इट एकोइंग एज़ वेल, बट आई एम नॉट गोना डू मच टॉकिंग, आई वांट यू टू डू द टॉकिंग, आई वांट यू टू टॉक अबाउट योर जर्नी ऑन रोडीज एंड हाउ यू गॉट वोटेड आउट, व्हाट हैपेंड। ओके, अब जब मैंने ये टीवी पे देखा वापस, मतलब मैंने एक्चुअली काफी बार रियलाइज की ओके हाँ मैं बहुत, एंड जब मेरे को कुछ गलत लगता है तो मैं बिना फिल्टर के वो बोल देती हूँ, एंड कुछ सही लगता है तो मैं वो भी बोलती हूँ। एंड जब मेरे को शुरू में, अगर आप किसी से चार दिन मिलते हो, बिकॉज आई वॉज देयर ओनली फॉर 4 days, तो सबके साथ, हाँ, तो उस टाइम पे मैं वो शुरू का वो जो एक्साइटमेंट था, तो वो जो हैप्पी फेज हो रहा होता है वही, उसी में थी मैं। तो सबका अब एक वो जो सबको देख के मैं बिल्कुल ऐसे थी कि ओ माय गॉड, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो जब मैं अप्रिशिएट कर रही थी तो पीपल थॉट कि आई वाज ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा स्वीट। तो एंड मेरे को ये बाद में लगा कि ओ गॉड, लोग ऐसा भी सोच रहे थे कि आई वाज ट्राइंग टू ओवरडू इट। एंड देन बाद में आई रियलाइज कि जिन लोगों को देखो, मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड है उसके अंदर जैसे मुझे वो किया गया, इफ समबडी अप्रिशिएट्स मी तो फिर आई एक्सेप्ट इट, एंड इफ यू डोंट अप्रिशिएट मी आई एक्सेप्ट दैट टू। तो फिर बस उसमें अब मुझे समझ नहीं आया कि हो सकता है उन लोगों ने कुछ और वो किया, जो भी उन्होंने किया, तो आई डोंट नो हाउ, आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट आफ्टर वॉचिंग द एपिसोड्स। बट ठीक है, अब मेरे को यही पता है, बिकॉज प्रतिभा दी, अपूर्वा एंड संजय मेनली ये, क्योंकि हम लोग पुणे से हम 7 लोग थे, अगर सहज भी आती तो वी वुड हैव बीन 8 पीपल, तो वी न्यू ईच अदर सबसे एक दूसरे का सबसे ज्यादा। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, प्रतिभा दी, संजय एंड अपूर्वा का उसमें दे स्टार्टेड सेइंग स्टफ कि अक्षता इधर उधर, आई हैव नो आइडिया ये सब कहां से आया, एंड मैंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि इफ अगर आपको पता हो जो हमारे वोट आउट्स वगैरह भी होते थे वो रात को इतना लेट चलते थे, एंड देन हमारे को सुबह भी जल्दी उठना होता था, तो आधे टाइम आई यूज्ड टू बी टायर्ड एक्सेप्ट फॉर दैट वन डे जिस दिन मैंने आरुषि के साथ वो किया था। एंड ओके, हाँ एक और चीज, दी ओनली एंड ओनली थिंग दैट आई विश कि मैं वापस अगर गिवन अ चांस वो कर सकती, तो आई विश कि वो जो रात आरुषि के साथ मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आई विश वो बिल्कुल भी नहीं होती। एंड Because you and Arushi actually turned out to be quite good friends after that, isn't it? हाँ बिल्कुल, right now अब जिस तरीके से मेरी उससे बात हुई है, I wish कि I turn out to be somebody like her when I'm 25, 26. Wow, Arushi, that's really high praise when somebody says something like that.
Akshita, here's what I think happened with you. जब साकिब का वोट आउट हुआ था ना, you sort of became the spokesperson for all the roadies. And I tried to warn you. I tried to warn you, and I said, don't do it. Don't talk so much that somebody else do the talking. Because क्या हो रहा है उसके, क्योंकि आपके पास immunity थी. आपने बोल दिया तो आप सबकी नजरों में आ गई. और जब जो पहले पहले जो वोटर्स होते ना, एवरीबॉडी ट्राइंग टू हाइड, एवरीबॉडी ये चाहता है कि वो सामने ना आए, वो नजर में ना आए, वो नजर में ना आए, ताकि उनका नाम ना आए अगले वोटर. एंड इट जस्ट बिकेम वेरी इजी फॉर एवरीवन टू से हां दिस वन दिस वन दिस वन अक्षिता लेट्स जस्ट या आई रियलाइज दैट. यही एग्जैक्टली इसी टोन में डैड ने मेरे को ये बात में समझाया जब उन्होंने साथ में एपिसोड देखा. बट देन सी अभी तक क्या हुआ है कि अगर जैसे आई डोंट नो, इस सब का एक्सपोजर मुझे कभी नहीं था, तो अभी तक मैं दोस्तों के साथ ही रिलेट करके ये सब समझा सकती हूँ कि अगर वो लोग ऐसा कुछ करें एंड उसमें अगर मेरे को कॉल आउट भी करना पड़े तो मेरे को आई डोंट थिंक टेक ऑफ इट, मतलब थिंक ऑफ इट एज अ बिग डील. तो मैंने उसी उसमें मैंने उस टाइम पे भी बोल दिया एंड आई रियलाइज कि वहां पे वो खतरा, मतलब वो बाद में मैंने ये किया कि ओके ठीक है, ये मेरे को डुबो ले गया जो मैं जनरली यहाँ पे नहीं सोचती थी. yep. So what was the experience like? जब आप आए, किसने मिले, किसके साथ दोस्तियां अच्छी बनी? शुरू के एक दिन में तो आई थिंक ओके वेरी ऑनेस्टली मेरी निशा, मतलब वी आई वाज टॉकिंग टू एवरीबॉडी जो हम लोग शुरू में आए थे एंड हम लोग एक रिजॉर्ट में, जहाँ पे हम रिजॉर्ट तो क्या था वो, एक छोटा सा जहाँ पे हम रह रहे थे, तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम सब मिले थे उस दिन जहाँ जब हमारा फर्स्ट टास्क होना था. तो उस टाइम पे मिले, बात हुई, सबसे हुई थी, बस ओनली एक निशा थी एंड एक साकिब था जिससे मैं, मतलब इफ गिवन अ चॉइस आई वुडंट, मतलब फ्यूचर उसमें शायद मैं कम्युनिकेट ना करना पसंद करूं. सो व्हाई साकिब, आपने साकिब को वोट आउट क्यों किया? तो व्हाई साकिब, आपने साकिब को साकिब के खिलाफ, मगर बातें तो सिर्फ आपने की थी. हाँ, बिकॉज वो मेरे को काफी नार्सिसिस्टिक लगा था. सॉरी. ओके, आई थिंक you know, the same painting of targets that I was talking about for you, Saqib ended up painting a target on himself when he complained after the beating the children task. मुझे appreciate क्यों नहीं किया गया? नहीं नहीं वो मैं समझ गई. See, because of that statement, एक तो leaders ने कहा कि यार अगर नाम नहीं लिया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. We just took a few people's names. Doesn't mean that others didn't work. And I think that by the leaders saying that, everybody else found it easy to turn on Saqib and saying, yeah, iska ilam nahi dete hain. ओके नहीं, दैट वॉज मेरा जो अपना ओपिनियन है, दैट इज क्योंकि हम लोग साथ में जब दिल्ली से हम लोग ऋषिकेश जा रहे थे तो उस टाइम पे भी जो कॉन्वर्सेशन थी उसके अंदर भी वही जो मैं नार्सिसिस्टिक कह रही हूँ वही चीज मेरे को तब भी फील हुई थी. देन अगले दिन ब्रेकफास्ट पे भी मेरे को वही फील हुई थी एंड ड्यूरिंग जो पहले के दो दिन थे फर्स्ट वोट आउट से पहले, तब भी मुझे वही फील हुआ था. तो एंड उसके अलावा मैं दो दिन मिली थी सबसे, तो उतने में अब मेरे पास जज करने के लिए क्राइटेरिया ही बस एक वो था. तो इसीलिए दैट वॉज the only reason jo maine saqib ko kiya tha. The problem with you is that you come from a defense background and you're too black and white. Haan, see, exactly. I don't know why people don't get this. Theek hai, either it's a yes or a no. Ya to haan ya na, ya ye ya wo. But on roadies, you have to be a little more sort of circumspect. You've got to play the cards close to your chest. You can't be like, I like you, I don't like you, I like you, you're a maybe, you're a no, you're a no, you're a yes. Can't do that. Arey, I know. मैंने ये चीज, ये एक्चुअली ये मेरे को बाद में मॉम ने भी समझाया एंड ये चीज उन्होंने पापा की तरफ भी पॉइंट किया कि ही आल्सो डज दैट. अगर नहीं पसंद आया तो नहीं बोल दिया, अगर मतलब वो जो प्रॉपर कमांडिंग टर्म है तो है उसी के अंदर वो चलता है. यू हैव टू ब्लेम योर पेरेंट्स कि आपसे ही आया. अरे नहीं, आई डिडंट डू दैट, माय मॉम डिड. सी, आई डोंट डू दैट, आई एम जस्ट कोटिंग हर. सो यू आर नाउ डूइंग लॉ? हाँ, नाउ आई एम परसुइंग लॉ. तो फर्स्ट ईयर ही है तो अभी बेसिक लॉ इतना. अगर आप उससे कुछ पूछने वाले तो आपको कुछ बहुत अच्छा नहीं मिलेगा मेरे में से. नो, आई एम नॉट मच ऑफ अ लीगल पर्सन मायसेल्फ, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट फील्ड टू बी इन एज यू गो फॉरवर्ड. एंड फॉर पीपल हु आर लॉयर्स नाउ, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ यू नो ज्ञान इफ यू वांट टू लिसन टू.
a lot of work in different fields invariably ends up using a bit of law, whether you're working, let's say, in hospitals and medicine, whether you're working in the entertainment industry. There are a lot of contracts that people need to go through, and you need to know the law to be able to work in this field. So doing law is a great stepping stone to doing anything else, because that legal knowledge really comes into play in whatever you do. अभी यही द मोमेंट मैंने ये लॉ स्टार्ट किया तो उसके बाद जो हमारे को शुरू में एक एमटीवी रोडीज का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना तो हमारे को अभी हम कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ जब पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमारे को वॉइड मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स बताए जा रहे थे तो फिर मैं वही कंपेयर किए जा रही थी कि कहीं ना कहीं अगर मैं किसी ना मतलब दैट वाज जस्ट मेरे दिमाग में इफ आई वांट टू से समथिंग अगेंस्ट समबडी तो फिर आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माय तो ठीक है वो आई जस्ट डू ऐसे वाला सब Yeah, it's a nice piece of reference to have to, when you have a contract like that to say, yeah. And you're studying it, then it's a good reference. Point. Well, as a reference, maza aa raha tha wo karte. Cool. Anyway, Akshita, it's been really nice chatting with you. Please give your parents my regards. Yeah, sure. And if there was a medal for best rope climber on Roadies Revolution this year, I saw the rock climbing ka jo wo kar rahe the. I saw it and I was like, oh God, I wish I've done a 10 months ka rock climbing ka course when I was in Ooty. Listen, if you were there, I would have sent you up the rope and rappelling down as well. Michael, sorry, I love you, but no, Akshita would have done the rappelling instead of you. अरे बोथ मी एंड माय सिस्टर इवन मेरे डैड ने भी कर रखा है ये वी हैव डन एक पूरा देयर आर फोर स्टेजेस तो हमने पूरा पूरे फोर स्टेजेस का हमने वो कोर्स कर रखा है तो ओ गॉड मेरे को इतना मन कर रहा था